हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू क्विज ऑफ चैप्टर व्हेन द अर्थ शूक इट्स ए नीवियस चैप्टर ऑफ क्लास फिफ्थ तो चैप्टर की रीडिंग एक्सप्लेनेशन एनसीआर टी क्वेश्चन आंसर्स प्लस वर्कशीट हम लोग इससे पहले कर चुके हैं सो so, वो वीडियोज़ आप सबने देख लियोगे डेफिनेटली तो चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा नाउ इट्स टाइम टू टेक अ टेस्ट कि कितनी अच्छे से चैप्टर को आपने समझा है ओके okay? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट नाउ अगर आप नए हैं चैनल पर और इफ यू यून सब्सक्राइब टू द चैनल येट तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब जो बटन है आपका नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब उसको टैप कर दीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी नेक्स्ट टाइम से आए तो मिस ना हो ओके स्टार्ट नाउ सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेन डिड वेन डिड अर्थक्वेक इन भुज अकर भुज विच इज इन गुजरात जहां पर कि आपका जो अर्थक्वेक आया था ट्वेंटी को उसका एपी सेंटर था सेवन पॉइंट सेवन का बहुत ही एक सीवियर अर्थक्वेक था तो बताइए कि वो किस ईयर में हुआ था बिकॉज डेट तो आप देखेंगे तीनों ऑप्शन में सेम ही है 26 जनवरी 2002 या फिर 2001 या फिर 2003 26 जनवरी जैसे आप जानते हैं कि हमारा रिपब्लिक डे होता है परेड होती है उस दिन सब लोग जो है टीवी uh, पर परेड देख रहे थे जब ये इंसिडेंट हुआ तो क्या डेट थी क्या कौन सा ईयर था टू थाउजेंड टू वन और थ्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर कैन रिजल्ट इन अगर खाने की और पीने के पानी की कमी है तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है इनमें से आपके ऑप्शन हैं ए फेमाइन बी फ्लड सी अर्थक्वेक फेमाइन हिंदी में जिसे हम अकाल बोलते हैं फ्लड जिसे बाढ़ कहा जाता है और अर्थक्वेक ये तो आपको पता ही होगा ये है आपका भूकंप लंबे टाइम तक ड्यू टू तो एनी रीजन खाने की और पानी की शॉर्टेज है तो इनमें से कौन सी नेचुरल कैलॉमिटी हो सकती है उसके बाद फेमाइन ब्ल फ्लड या फिर अर्थक्वेक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस जब अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है क्या सावधानियां बरतनी है आपके ऑप्शन हैं सबसे पहले पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड अगर पॉसिबल हो सके घर छोड़ दीजिए ओपन ग्राउंड में चले जाइए आप ये करेंगे लाई डाउन अंडर स्ट्रांग टेबल डेस्क और चेयर लाइट नीचे झुक जाइए किसी डेस्क के मजबूत डेस्क चेयर या फिर आपके टेबल uh, के उसको कस के पकड़ लीजिए स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडोज एंड इलेक्ट्रिक अप्लायसेज ग्लास के विंडोज और इलेक्ट्रिक अपलायंसेज से दूर रहिए या फिर ऑल ऑफ दी अबव सभी ट्रू है आपको सभी चीजें करनी चाहिए जो भी उस टाइम पॉसिबल हो सके सबसे जरूरी तो है खुद को बचाना बिकॉज ऐसे टाइम पे जो आपकी बिल्डिंग है वो कोलाप्स हो जाती है अगर बहुत सीवियर आपका अर्थक्वेक है तो तो आप सब अच्छा पूरे ही बच जाए कहीं जाके तो बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं बाहर जा सकते तो मैंने कहा था हेड को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज हाथ पैर में इंजरी होंगी प्लस होगा आप ठीक हो जाएंगे लेकिन हेड की इंजरी बहुत सीवियर हो जाती है आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो सकती है फिर कई बार ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है तो सर को बचाना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे टाइम पर कोई भी एक्सीडेंट हो इसलिए कहा जाता है हेलमेट पहन के आप चलिए क्योंकि सर में चोट नहीं लगनी चाहिए तो ऐसे टाइम पर ओके और तीसरा ऑब्वियसली पता चला आप सब चीजों से बच गए और इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वायरिंग टूट जाती है वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कुछ नुकसान हो जाए तो वो भी बचाना है हम लोगों को ओके इसके बेसिस पर आपने आंसर कर ही दिया होगा इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द एपेक्स बॉडी फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट की एपेक्स बॉडी कौन सी है इंडिया में देखिए एपेक्स मतलब होता है कि जो इसी काम के लिए हाईएस्ट बॉडी जब कहीं भी डिजास्टर होती है काम तो सभी करते हैं उसमें डॉक्टर्स भी लेकिन वो उसके लिए नहीं है डॉक्टर्स आप जानते हैं मेन काम उनका डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है वो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं लेकिन अगर कोई भी एकदम से ऐसी बात आती है तो डेफिनेटली सभी को कॉल किया जाता है आर्मी के लोग लो भी आते हैं ऑल वो लोग हमें मेन जो मोटिव है उनका वो बाहर की जो बॉर्डर पर हम लोगों की सुरक्षा हम लोगों को सुरक्षा देना है बट अगर देश के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर भी उनको बुला लिया जाता है लेकिन एक बॉडी ऐसी जो मेन इसी काम के लिए है उसका नाम क्या है आर्मी एयरफोर्स एन एनडीआरएफ आर की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दू This is इंपॉर्टेंट NDRF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए एन फॉर नेशनल डी फॉर डिजास्टर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रिस्पॉन्स फोर्स ओके तो फुल फॉर्म जनरली पूछ ली जाती है राष्ट्रीय आपदा की जो डिजास्टर को आपदा कहते हैं एनडीआरएफ जो है आपका उसके फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको खैर एपेक्स बॉडी बतानी थी यहाँ पर तो आपको बाकी आप इसको भी याद रखेंगे ओके okay. ये देखिए उस जो आपकी एपेक्स बॉडी है उसके लोग काम भी करें सभी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके पास किसी भी कोई भी डिजास्टर उससे लड़ने के लिए भूकंप आए तो उस टाइम पे किसकी जरिए बाढ़ है तो यहाँ पर इनके पास ये सेविंग लाइफ सेविंग बोर्ड्स हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन ऑन द मैप ऑफ इंडिया गुजरात इज लोकेटेड डायरेक्शन आपको मैप में पता होगी इंडिया का मैप मैं आपको शो नहीं करने वाली हूँ फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट हैं आप और हाफ ईयर से आगे आ चुके हैं तो आई थिंक मैप आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए कहाँ पर कौन सा स्टेट है डायरेक्शन मैं आपको फिर से बता देती हूँ मैप में आपका राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है ऊपर की तरफ नॉर्थ और तो नीचे साउथ होता है अब यहाँ पर आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर लीजिए और देखिए कि गुजरात किस तरफ होगा वेस्ट की साइड साउथ साइड या फिर ईस्टर्न साइड ओके okay, आंसर कर दिया होगा आपने नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्केल इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कितनी इंटेंसिटी कितना इंटेंस अर्थक्वेक था कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है आपके ऑप्शन हैं ए कंपास बी रूलर सी रिक्टर स्केल ओके और ये देखिए उस स्केल का मेजरमेंट है अगर जीरो से टू तक टू पॉइंट टू तक आपका अर्थवेक आता है रिक्टर स्केल पे तो वो नॉट फेल्ट कई बार आपको पता भी नहीं लगता न्यूज में ही देखे पता लगता है कि आज सुबह अर्थक्वेक आया था क्योंकि उसका इंटेंसिटी बहुत कम होती है बहुत कम मैग्नीट्यूड का होता है वो उसके बाद अगर तीन का तीन से चार है तो माइनर कहते हैं चार से पाँच है तो स्मॉल ही आपको फील होता है डेफिनेटली फाइव टू सिक्स मॉडरेट इसमें लोगों के घर वर गिर जाते हैं प्रॉब्लम होती है सिक्स टू सेवन है तो स्ट्रॉन्ग है काफी और सेवन टू एट तो मेजर होता है और उसके बाद तो ग्रेट ओके okay? और जैसा कि आप जानते हैं भुज जिसकी आपके चैप्टर में बात की हुई है वो सेवन पॉइंट सेवन का था जहां पे एपी सेंटर था उसका सेवन पॉइंट सेवन मेजर की गई थी उसकी इंटेंसिटी ओके okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मैन मेड डिजास्टर डिजास्टर दो टाइप्स की होती है आपकी एक तो नेचुरल जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता दूसरी मैन मेड होती है जो हमारी वजह से ही वो कुछ डिजास्टर्स आते हैं तो इनमें से कौन सा डिजास्टर मैन मेड है आपके ऑप्शन है फ्लड वोल्केनिक या फिर डिफॉरेस्टेशन फ्लड बाढ़ बोलकैनिक जो आपके ज्वालामुखी होते हैं आपने देखा होगा धरती के अंदर से कई बार आग निकलने लगती है उसको वोल्कैनोज बोलते हैं तो वो कैन अगर कहीं पर इरप्ट हुआ है वो हमारी वजह से मैनमेड डिजास्टर या फिर डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की या जंगलों की कटाई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक वेव्स देखिए अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं एस वेव्स पी waves, waves ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे लेकिन जो वो वेव्स होती है उस कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि उनको डिटेक्ट करता है और ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है पहले से लोगों को अवेयर करने के लिए चेतावनी देने के लिए कि यहाँ पर भूकंप या सुनामी आने वाली है तो आप यहाँ से हट जाइए ओके okay? तो उसे क्या कहते हैं आपके ऑप्शन हैं ए सिज्म्राफ बी रिक्टर स्केल सी स्टेथोस्कोप कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वे की वेव्स को डिटेक्ट करता है रिक्टर स्केल, स्टेथोस्कोप और देखिए ये वो इंस्ट्रूमेंट है इस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर वायरिंग होती है जिसमें कि आपकी जो वेव्स है वो फील फेल्ट होती है उसके बाद ये कुछ हैवी ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर एक पेन होता है ये एक पेपर होता है इसमें लगा हुआ जो कि कॉन्स्टेंट रिमो रोल करता रहता है ओके नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सबसे बाहर की जो लेयर है आपकी दिस इज मैंटल अर्थ uh, की सबसे बाहर की जो लेयर है उसका बहुत सारी लेयर्स होती है इनर कोर कोर देन ऑल दिस क्रस्ट एंड ऑल तो आपको बताना है सबसे बाहर की जो लेयर है उससे आप क्या कहते हैं अर्थ अगर आप जितना अंदर जाते रहेंगे उतनी ही हीट ज्यादा होती है और बीच में से ऐसा कहा जाता है कि अर्थ जो है वो फायर आग का गोला है बिल्कुल ऊपर ही ऐसा हुआ है अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर पे कि बारिश की वजह से वो ठंडी हो गई है मिट्टी बन गई है वहां पर लेकिन अंदर अभी भी वो ऐसी ही है जैसे बाकी हमारे प्लान्स हैं तो सबसे बाहर की लेयर को क्या कहते हैं मैंटल क्रस्ट या फिर कोर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूं आंसर अगर आपने दे दिया है तो वेरी गुड ये देखिए ये अर्थ है अगर इसको बीच से आप ओपन खोल के देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देती है सबसे लास्ट uh, से शुरू करते हैं दिस इज क्रस्ट ये क्रस्ट है उसके बाद सॉरी यस एंड दिस इज मैंटल उसके बाद कोर उसके बाद इनर कोर ओके नेक्स्ट इज हु आर द पीपल टू बिल्ड द बिल्डिंग्स बिल्ड नहीं होना चाहिए डिजाइन होना चाहिए एक्चुअली बनाते तो आपके जो काम करने वाले लोग और ये सब ही है टू डिज़ाइन एक्चुअली कौन वो लोग हैं जो कि बिल्डिंग्स का डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से बने ताकि इसमें हमने चैप्टर में भी देखा है कि जब घर वो पूरा गांव खत्म हो जाता है तो कुछ लोग आते हैं वहां पर जो बताते हैं कि आपको इस तरीके से अब हाउसेज को डिजाइन करना चाहिए जिससे कि नुकसान कम हो आर्टक्वेक में तो जो हाउसेज के डिजाइन बनाते हैं डिजास्टर में कम ताकि आपको नुकसान हो वो कौन होते हैं आपके ऑप्शन हैं टीचर्स आर्किटेक्ट्स या फिर सिंगर हु आर द पीपल या प्रोफेशनल्स इनको कहेंगे जो कि डिजाइन करते हैं बिल्डिंग्स को टीचर आर्किटेक्ट सिंगर ओके नेक्स्ट इज डैश इज द प्लेस वेयर व्हीट एंड राइस आर स्टोर्ड ये भी बताया गया है चैप्टर में आपको जबकि वहां पर अर्थक्वेक आता है उसके बाद जो गांव का प्रधान होते हैं हेड जो होते हैं गांव के वो गांव वालों को चावल और गेहूं बांटते हैं जहां पर उन्हें स्टोर किया होता है तो उस जहां पे चावल और गेहूं स्टोर आप करते हैं उसे क्या कहा जाता है या फिर कोई भी खाने की चीजें स्टोर करते हैं आपके ऑप्शन हैं ए गोडाउन जिसे आप हिंदी में गोदाम भी कहते हैं बी एवियरी सी हैंगर तीनों ही जगह कुछ स्टोर करने के लिए है कहां पर क्या स्टोर होता है दिस ऑल्सो यू शुड नो गोडाउन एवरी हैंगर एक प्लेस जहां पर वीडियो राइस स्टोर किया जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नॉट अ नेचुरल कैलामिटी कौन सी इनमें से एक नेचुरल कैलामिटी नहीं है हमारी बनाई हुई है आपके ऑप्शन है सुनामी पॉल्यूशन अर्थक्वेक नेक्स्ट इज वॉट इज द लोकेशन डीप इन साइड द अर्थ वेयर दर्थक्वेक बिगिन जहां से अर्थक्वेक शुरू हुआ जिस जगह से उसके सबसे नीचे जो पॉइंट होता है आपस में और वहां से आपकी वेव चलने शुरू होती है इस पॉइंट को क्या कहा जाता है एपी सेंटर जीरो पॉइंट फोकस वो पॉइंट अर्थ के अंदर जहां से अर्थक्वेक शुरू हुआ है उसे क्या कहते हैं एपी सेंटर जीरो पॉइंट और सी फोकस ओके यू ऑलमोस्ट है दिखा देती हूँ देखिए यहां पर कुछ क्रैक हुआ दो प्लेट आपकी टकराई यहां से एक्चुअली ये शुरू हुआ चलना और ये फॉल्ट से तो खैर आपका लावा वगैरह बाहर जाता है खैर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेड द रिक्टर स्केल रिक्टर स्केल किन्ने बनाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑप्शन है लुइस ब्रेल बी ग्राहम बेल सी चार्ल फ्रांकिस रिक्टर तीनों ने ही बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी किया तीनों ही बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे तो आपको बताना है कि और तीनों की डिस्कवरीज आपको पता होनी भी चाहिए क्योंकि ये मेंशन है एनसीआरटी में इसलिए नाम यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको बताना है रिक्टर स्केल कि बनाया लुइस ब्रेल ग्राहम बेल चार्ल्स फ्रांकिस रिक्टर ओके ये वो पर्सन है फोटो में आपको दिखा देती हूँ नाम आपको पता होगा या फिर अभी पता लग जाएगा इन द एंड ऑफ द वीडियो जिन्होंने रिक्टर स्केल बनाया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओशन हैज द मोस्ट अर्थक्वेक किस ओशन में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं पांच ओशन हैं पांचों के नाम आपको पता होने चाहिए इंडियन ओशन अटलांटिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन कौन सा दिस ऑल्सो यू शुड नो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है हमारे इसमें और सारे फाइव जो ओशन हैं नाम फिर से मैं कह रही हूँ पता होने चाहिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट है क्वेश्चन है कि किस ओशन में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं आपको पता है ओशन में जब अर्थक्वेक आते हैं तो उससे अर्थ के ऊपर सुनामी आती है क्योंकि पानी से भरा हुआ है सब कुछ अब यहाँ पे अगर ये इसका जो नीचे पानी के नीचे जो अर्थ है जब वो शेक करेगी तो यहाँ से वेव्स बन के पानी उठता है जिससे कि अर्थ पे बहुत अमाउंट में पानी आ जाता है सी से जिसे हम सुनामी कहते हैं ओके तो आ, क्वेश्चन डिफरेंट है वैसे किस कि उसमें सबसे ज्यादा अर्थ को एक आते हैं पैसिफिक अटलांटिक इंडियन सभी की आप लोकेशन देख लीजिए फाइव ओशन जो है आपके आर्कटिक ओशन है जो जमा ही रहता है एक्चुअली बर्फ ही रहता है यहाँ पर साउदर्न ओशन है दिस इज पेफिक ओशन ये देखिए इधर भी और इधर भी क्योंकि अर्थ राउंड है आप जानते हैं ये सिरा और ये सिरा मिला हुआ है ये फ्लैट करके आपको दिखाया हुआ है दैट इज वाई ऐसा लग रहा है दिस इज अटलांटिक ओशन ये इंडियन ओशन अकेला ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन का नाम पड़ा है ओके नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दी आंसर्स जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है बी टू ए थ्री डी फोर सी फाइव ए सिक्स सी सेवन सी एट ए नाइन्थ बी टेंथ बी एलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है ए ट्वेल्थ बी थर्टीन सी फोर्टीन सी फिफ्टीन ए आउट ऑफ फिफ्टीन जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कॉमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स लिख दीजिए एनी क्वेश्चन इज रॉन्ग तो बैक जाके करेक्ट आंसर जरूर चेक कर लीजिए एंड दैट्स ऑल ये आपका चैप्टर था होपफुली क्वेश्चन आपको सभी आते होंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियोज अच्छे से देखी और फिर से मैं कहती हूँ सिर्फ क्विज के भरोसे मत रहा करिए कि क्विज हमने कर लिया नाव विनोदी चैप्टर ऐसा नहीं है क्विज में सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं देती हूँ जिनके ऑप्शन बन सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए चैप्टर अच्छे से समझने के लिए आपको वर्कशीट तो एटलीस्ट जरूर देखनी चाहिए ओके सो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग